हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी इंडिया पोस्ट के द्वारा कराए जाते हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल और LDC एग्जाम से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा PSA का क्रैश कोर्स हम 1 अक्टूबर से जारी करने वाले हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने भविष्य को लेकर और अगर आपने अभी तक हमारा जो बैच ज्वाइन नहीं किया है तो क्रैश कोर्स आप 24 दिन का कर सकते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स थोड़ा सा अलग टाइप में रहने वाला है क्योंकि हम 24 दिन में आपको किसी प्रकार का ये नहीं बोलेंगे कि आपको हम कोर्स करा देंगे या फिर इतने दिन सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम आपको एक गाइडलाइन के तहत एक बेहतरीन कंटेंट और मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आप इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि सभी को पता है कि PSA का सिलेबस जो है बहुत लेंदी है, तो अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं कि मुझे पोस्ट लेसन क्रैक करना है, GDS में जिंदगी भर नहीं रहना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उससे संपर्क करके हमारा क्रैश कोर्स जो है ले सकते हैं। 24 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल उस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सअप करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि GDS 2 PA के एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं और अगर आपसे ये आंसर आता है तो आप जरूर हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि किसी रजिस्ट्री वस्तु की रजिस्ट्री की जानी हो तो उसे पेश करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 में दिया है घर में, मार्केट में, डाकघर की खिड़की में, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और सही इसका आंसर हो जाएगा आंसर C, ठीक है। याद रखिएगा, किसी वस्तु की रजिस्ट्री की जानी हो तो उसे कहां पे पेश करना है? विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं रजिस्ट्री के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी? ऑप्शन ए दिया है, जहां यह शब्द लिखा हो कि किसी निश्चित राशि के लिए इसका बीमा हो चुका है, कोई कीमती सामान जब तक उसका बीमा ना कराया जाए, बी और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाए? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उन दोनों की कंडीशन में क्या होगा? रजिस्ट्री आर्टिकल जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। जहां यह शब्द लिखा हो किसी निश्चित राशि के लिए इसका बीमा हो चुका है या कोई कीमती सामान जब तक उसका आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, वो आर्टिकल जो है रजिस्ट्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि GDS 2 PA जो कि 24 अक्टूबर को होने वाला, यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है? डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार जो फर्म कम से कम 10 रजिस्ट्री वस्तुएं बुक करते हैं उनके लिए एक विशेष कार्यविधि तैयार की जाती है जिसमें प्रेषक स्वयं अपनी रसीद लिखते हैं, इस सुविधा के लिए किससे संपर्क करना होगा? SP, PMG, CPMG या ASP? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ए, ठीक है। कौन किससे संपर्क करेंगे आप? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फीस है, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फीस क्या है? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए? करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है गाइस? करेक्ट आंसर आपका बी है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? बी, 3 रुपए। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फीस कितना है? 3 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, एग्जामों में। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्री पार्सल में स्पेशल एक्नॉलेजमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पार्सल के अंदर डाल देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर सही होगा? रजिस्ट्री पार्सल में स्पेशल एक्नॉलेजमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पार्सल के अंदर डाल देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है सी होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, हमारा PSA क्रैश कोर्स कब से? 1 अक्टूबर से जारी कर रहे हैं हम, है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक हमारा कोर्स आपने नहीं लिया है, तो छोटी सी फीस पेड करके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं और किसी भी जानकारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्रैश कोर्स है तो आपको एक अलग तरीके से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा 10-10 घंटे, क्योंकि 24 दिन का सिलेबस नहीं है PSA के, आप भी जानते हो, ठीक है। तो छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? छठवां का आंसर क्या है?
क्या पूछा है? अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट भी। रिसिप्ट कोई निकलवाता है अपने रजिस्टर आर्टिकल का, ठीक है, मेरा आर्टिकल बट गया नहीं बट गया है, किसको बटा है, उससे संबंधित फीस कितना पेड करना पड़ेगा, 2 रुपए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए 3 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 9 मंथ के अंदर, 12 मंथ के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार के और भी एमसीक्यू चाहिए, वीडियो चाहिए, है ना, तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, मैं आपको इस प्रकार के और वीडियोज बना के जरूर दूंगा। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर क्या होगा? अटेस्टेड कॉपी रिसीट प्राप्त करने के लिए आवेदन कब तक कितने दिन के अंदर करना चाहिए? 6 मंथ के अंदर करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन रजिस्ट्री पत्र पैकेट पार्सल क्षति पहुंचने नुकसान के मामले में क्षतिपूर्ति दे सकता है? क्या पूछ रहा है? रजिस्ट्री पत्र पैकेट हो गया, पार्सल हो गया, उसका कोई भी नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, उस कंडीशन में कौन कंपनसेशन देगा? सीपीएमजी, पीएमजी, एसपी, एएसपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सीपीएमजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्षतिपूर्ति के किसी भी मामले में विवाद पैदा होता है तो अंतिम निर्णय कौन देगा? डीजी पोस्ट, सीपीएमजी, पीएमजी, एसपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डीजी पोस्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक वस्तु के अंदर रखी वस्तु गुम हो जाने पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करना चाहिए, डाक वस्तु के अंदर रखी वस्तु गुम हो जाने पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन देना चाहिए वितरण तारीख से 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 1 महीने के अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, है ना, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मामलों में क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा? प्रेषक की लापरवाही के कारण नुकसान बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कोई तरल पदार्थ जिसको प्रोहिबिटेड माना जाता है, भेद दिया आपने, नहीं दिया जाएगा। कोई वस्तु जिसका बीमा कराना जरूरी था, आपने नहीं कराया, बिल्कुल किसी भी मामले में, ये तीनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन सारे मामलों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मामलों में रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है? 4 किलोग्राम से अधिक वजन का कोई पार्सल है, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, कोई भी पार्सल जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा पत्र आवश्यक हो, तो क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, उपरोक्त में सभी। इन सारे मामलों में आपको रजिस्ट्री कराना अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वस्तु पर रजिस्ट्री शुल्क भुगतान नहीं किया गया है तो वितरण पर रजिस्ट्री शुल्क चार्ज किया जाएगा पहले दर के बराबर, पहले दर की दुगुना, पहले दर का 3 गुना, पहले दर का 4 गुना। क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, बी। मैंने बताया हुआ है पहले दर का दुगुना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा डाकघर में वस्तुओं का अधिकतम कितने रुपए तक बीमा किया जा सकता है? 500, 700, 800, 600। करेक्ट आंसर सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, 600 रुपए तक बीओज में बुक किए जाते हैं, ना, इंश्योर्ड आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी सिक्के जवाहरात बुलियन इन वस्तुओं का बीमा कितने तक कराया जा सकता है? करेक्ट आंसर देखिए बी। ठीक है, आपसे अगर आता तो आप कमेंट में डाल दीजिए, है ना। अब देखिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, वीडियो को थोड़ी फास्ट करूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी ना बने, ठीक है, जिससे कि जो स्टूडेंट है देखने में थोड़ा उनको तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आर्टिकल पर 200 रुपए तक बीमा चार्ज कितना लिया जाएगा? नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपए। ठीक है, 200 रुपए तक 10 रुपए, अगले हर 100 रुपए के लिए 6 रुपए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। डाकघर द्वारा सलाह दी जाती है कि बीमा पत्रों के इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाए जाने चाहिए साधारण लिफाफा, कोई भी रजिस्ट्री लिफाफा या फिर पार्सल लिफाफा। क्या आंसर होगा? साधारण लिफाफा, कोई भी लिफाफा, रजिस्ट्री लिफाफा, पार्सल लिफाफा। सही आंसर क्या होगा? सी, रजिस्ट्री लिफाफा, बीमा पत्रों के लिए उपयोग में लाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा लिफाफे में प्रेषक का नाम लिखना चाहिए दाएं हाथ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बाएं हाथ कोने में, कहीं भी, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ बाएं हाथ कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा वस्तु के लिए स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फीस है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, फ्री है। ठीक है, बीमा वस्तु में एडी चार्ज जो है फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा वस्तु पर किन मामलों में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी? ए ऑप्शन क्या दिया? जहां प्रेषक द्वारा अधूरा पता लिखा जाने के कारण, जहां प्रेषक या प्राप्तकर्ता की तरफ से कोई धोखाधड़ी हुई हो, सही ढंग से पैक ना किया गया, उपरोक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन सारे मामलों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब पीएसए का पेपर 24 अक्टूबर को होने वाला, लेकिन अभी लगभग 24-25 है ना, जितने भी दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो वीडियो को नीचे कमेंट में डाल दीजिए, है ना, मैं बहुत सारे एमसीक्यू बना के आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएसए का आप हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 1 अक्टूबर से, ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना। सीरियस का वो अपने भविष्य को लेकर जीडीएस से छुटकारा पाना चाहते हो तो हम आप वहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा प्रोवाइड करा देंगे। कवर आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने लेक्चर कवर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।